भी यानी एक वो कहते हैं ना दिल दहलाने वाली चीज है कि इंसान तो नहीं कर सकता, ये इंसान नहीं कर सकता ये काम, ये काम एक हैवान ही कर सकता है, यू नो। सो जस्टिस फॉर कुरुतल, कुरुतलेन। सो ये कुरुतलेन है, ये कहाँ की है, ये मेरे ख्याल से ये न्यूज है हैदराबाद की। और इनके प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से चल रहे थे, और ये बच्चों के सामने उसको बहुत पीटता था, यू नो। और इनकी बातें बातें अभी जो है लोगों से बात हो रही, जितना केस सामने आ रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो ये जो है इसके हस्बैंड की, मैं आपको मनहूस शक्ल दिखा देती हूँ, क्योंकि कमीना तो वो भी है आज, अब तो जेल में है वो, मगर एक सेकेंड। तो आपने वो शक्ल देखी ना, खूबसूरत लड़की, यानी एक तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों की तुम लोग शादी ऐसे टट्टे जैसी शक्लों वाले से करवा देते हो। आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये लड़कियां हाँ बोल देती हैं, यानी शक्ल पे नहीं दी वो करना जाया चाहिए, आई नो, मगर फिर भी। तो ये वो कमीना इंसान है जिसने इसकी जान ले ली, ये इसका हस्बैंड। ऑब्वियसली दूसरी तस्वीर तो ब्लर की भी है, क्योंकि यू नो। सो ये कमीना वो इंसान है, शक्ल देखो इसकी, इसकी शक्ल देखो, लाइक सीरियसली। और वो इतनी खूबसूरत औरत, तो ऑब्वियसली इसको काफी अरसे से अब्यूज कर रहा था ये। और इसके फ्रेंड्स या फैमिली से जब बात हुई है बाद में, तो उनसे यही पता चला है कि वो इसको मना करती थी, वो कहती थी कि भाई मुझे एटलीस्ट मेरे बच्चों के सामने मत मारो, यू नो। तो उसने जवाब में ये कहा कि मैं कौन सा तुम्हें रोजाना मारता हूं, उसके जवाब में ये उसने बोला, मैं कौन सा तुम्हें रोजाना मारता हूं, कौन सा वो रोजाना देख रहे हैं। मुझे याद है कि जब हमारा बाप भी रोजाना नहीं मारता था, मेरी माँ को हमारा बाप भी रोजाना नहीं मारता था, मगर हमको इतना पता है जिस एरिया में हम रहते थे, जिस फ्लैट्स में हम रहते थे, पाकिस्तान में कंपाउंड्स बने हुए होते हैं फ्लैट्स के अंदर, ओपन नहीं होता, गेट होता है, राइट। तो वहां पर चौकीदार बैठता था, तो रात को हमेशा जब मेरा बाप आता था तो वो हॉर्न मारता था, हमें आवाज आती थी, वो हॉर्न की आवाज आती थी, और हम लोग चाहे यानी कुछ भी कर रहे होते थे, हम लोग जाके बेड में लेट जाते थे कि हम सो जाएं, ताकि ये बंदा आके फिर से किसी की यानी, और माँ से भी कहते थे भाई सो जाओ, ताकि वो आके तुम्हारी कुटाई ना लगाए। कभी कभार तो वो सो रहे होते थे, हम प्रटेंड कर रहे होते थे, तो उठा के माँ को बुलाता था किसी ना किसी एक्सक्यूज से, और फिर कुट लगाता था, यू नो। तो चाहे आप बच्चे के आगे एक दफा मारे, या हफ्ते में, या दो दफा मारे, वॉट एवर, कितनी दफा भी मारो ना, तो ये दिमाग में ना हमेशा से रहती है, वो चीजें मुझसे कभी भूली नहीं जाती हैं। और जितना मैं इन चीजों पे घुसती हूँ ना, तो क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है मेरी लाइफ का जिसको मैंने बहुत कोशिश करके उसको दबा दिया, उसको मैंने गाड़ दिया अंदर, ठीक है ना। वरना मेरा भी मेंटल तवाज़ुन ना, चंद तो कहते हैं वैसे ही खराब है, शायद इसी वजह से खराब है। तो मैंने अपने आप को फिक्स किया, मैंने ये नहीं करा कि भाई मेरे साथ ये हुआ, इतना जुल्म मैंने देखा, ये वो, तो मैं उसको एक गाना गाती रहूं, नहीं, मैंने कहा नहीं, आई हैव टू ओवरकम दिस, और मैं उससे आगे निकली। अब मैं इन चीजों पे बात तो करती हूँ, मगर मेरे अंदर फिर वही फ्लैशबैक्स, वही न्यूज और वही चीजें बार बार, वही बार बार आती हैं। और मैंने बहुत कुछ देखा है जो मैंने अभी बताया ही नहीं है यहाँ पर, लोगों को तो पता ही नहीं है बहुत सारी चीजें जो मैंने देखी है। सो व्हेन आई गो थ्रू दीज स्टोरीज ना, आई नो एग्जैक्टली कि वो बच्चे किस तरीके से, किस उससे गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं गुजरी थी उस चीज से, मैं बड़ी थी, मेरी बहन इतनी बड़ी नहीं थी, मैं बड़ी थी, मैं देखा ये अपनी माँ के साथ होते हुए देखा है, कभी बाहर रोते रोते भागते हुए डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि मेरी माँ का कान फट गया, तो नाक से खून निकल रहा है, किसी दिन तो आंख सूजी हुई है किसी दिन, ये कोई लाइफ है जीने वाली, लाइक सीरियसली, ऐसे अपने बच्चों को रखना है अपने। तो इस बंदे ने किया क्या, ये देखो, इस बंदे ने, बच्चे दूसरे कमरे में थे, इसको लेके गया दूसरे कमरे में, अपनी बीवी को टॉर्चर किया इसने, उसको पहले घंटों पहले इसको मारता रहा, टॉर्चर किया, और फिर इसको इसने, पता नहीं इसके सर पे चोट लगी या क्या हुआ, आई डोंट नो द फुल डिटेल, मगर एट द एंड वो बंदी मर गई। और फिर वहां पे उसको रहने दिया 3 घंटे तक, सुबह 7 बजे हॉस्पिटल लेके गया है, और कहता है ओ ये तो मर गई। तो वो हॉस्पिटल वालों ने देखा कि भाई उसके खून निकल रहा है, उसके यू नो बॉडी पे इतने ब्रूजेस हुए हुए हैं, तो ये कैसे हुआ। तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत करी, और बच्चे थे वहां पर, और उसके सारे बच्चे आई थिंक दे ऑल 6 एंड अंडर, 6 साल से छोटे, और इसकी बेटी का भी मैं इंटरव्यू देख रही थी, 8 साल के अंदर है, समथिंग लाइक दैट। मैं उस बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रही थी, और मुझे लाइक आई कुडंट इवन इमेजिन कि वो किस तरीके से, वो बच्ची को तो अभी सही से समझ में भी नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है,
बच्चों के सामने अपनी माँ, उसकी माँ को मार रहे हो तुम लोग, क्या रे तुम लोगों का क्या हाल है? बच्चों के सामने औरतों का रेप कर रहे हो, यानी कत्ल कर रहे हो, स्लॉटर कर रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल? क्या हो गया? लाइक क्या है तुम लोगों के दिमाग में? सो ये था कुरतुलैन। तो इनके ऊपर भी हैशटैग चल रहा था कि कुछ कुछ करा जाए इस चीज पे यार। बहुत दिस इज रिडिक्युलस। हर रोज एक केस आ रहा है, हर रोज एक केस आ रहा है, हर रोज किसी औरत को मार मार के ऐसे कर रहे हो जैसे कि बकरा ईद है तुम लोगों के लिए एवरीडे।